स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल एस्ट्रोटी में। आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में हम बात करेंगे ऑप्टिकल डिस्क के बारे में, यानी सीडी, डीवीडी, ब्लूरे के बारे में। तो आइए जानते हैं, तो ये है क्या? आपको बस ऐसे समझना है कि जो डेटा है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है, वो आप डिस्क पे स्टोर करते हैं, इस तरह के डिस्क पे, और उसको पढ़ने के लिए, मतलब या तो उस पर लिखने के लिए या पढ़ने के लिए, हम लोग लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। और इस बात का आप ध्यान ज़रूर रखें, कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। मतलब आपका सीडी है या डीवीडी है या जो भी है, उसको कोई चीज़ छू नहीं रहा है। जैसे कि आप पुराने वाइनल रिकॉर्ड्स देखते हैं, उसमें एक पिन रहता है जो घिसता है, इसमें फ्लॉपी ड्राइव में भी होता है, हार्ड ड्राइव में नहीं होता, लेकिन हार्ड ड्राइव पूरी तरह से सील रहता है। और हमारा ऑप्टिकल मीडिया में लेज़र का इस्तेमाल करके करते हैं। तो जैसे जैसे लेज़र टेक्नोलॉजी बेटर होती गई, हमारे डिस्क की कैपेसिटी बढ़ते गई। जैसे आपको एग्जांपल देने के लिए, आप ये समझिए, सीडी आया था 1982 में और उस टाइम बेयरली 700 MB रख पाता था। उसके बाद डीवीडी आया, डीवीडी 4.7 GB तक चला गया और ये आया था 1995 में। डीवीडी के बाद हम लोग आए ब्लूरे में, ब्लूरे 25 GB तक चला गया और ये आया 2006 में। तो ऐसा तरक्की होते कैसे गया? आप ये समझिए, आपको ये पता होगा कि डिजिटल डेटा में सिर्फ दो ही चीज़ होता है, ऑन या ऑफ, ऑन या ऑफ, और कुछ नहीं उसमें रखा जाता। तो ये ऑन ऑफ को स्टोर करने के लिए, मतलब आपके डिस्क में लिखने के लिए, हम लोग एक तरीका इस्तेमाल करते हैं, इसमें एक गड्ढा या एक खाई करके बनाया जाता है। तो आप जैसे ये देख सकते हैं, गड्ढा खाई, गड्ढा खाई, गड्ढा 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 खाई, ऐसे ऐसे करके मोर्स कोड की तरह समझ लीजिए इसमें रखा जा रहा है डेटा। तो डेटा कितना, मतलब महीन तरीके से लिखा, क्योंकि आप देख सकते हैं साइज सबका सेम है, तो कितने महीन तरीके से उस पर लिख सकते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका कितना स्टोरेज कैपेसिटी है। तो महीन करने के लिए जो पुराने सीडी थे वो इंफ्रारेड लेज़र पे थे, फिर रेड लेज़र में शिफ्ट हुए, रेड लेज़र के बाद ब्लू लेज़र में शिफ्ट हो गए। ब्लू लेज़र में दो कंपनी उतरी, एक एचडी डीवीडी बना और एक ब्लूरे डीवीडी बना। एचडी डीवीडी साफ हो गई, ब्लूरे अभी भी टिका हुआ है। तो ऐसे ये सब, जितना जितना लेज़र में हम लोग का वेवलेंथ छोटा हो गया, उतना बढ़िया से हम लोग बहुत महीन तरीके से डेटा लिख पा रहे थे। इसलिए आपका सेम साइज़ में, एक में आपको 700 MB मिल रहा है, एक में 25 GB मिल रहा है। तो ये है, ये क्या है, आगे देखते हैं कि क्यों है ये। तो आप पहले ये समझिए, बहुत सस्ता है आपके और मेरे लिए नहीं, मतलब जो कंपनी बना रहा है उसके लिए ये बहुत सस्ता है। ये पेन ड्राइव से सस्ता है, ये हार्ड ड्राइव से बहुत सस्ता है, मतलब कोई भी चीज़ नहीं है जो इतने कम दाम पे इतना ज़्यादा डेटा दे सके। फिर इसके बाद ये बात आता है कि ये पूरी तरह से डिजिटल है, मतलब आप एक से कई लाख कॉपी बना लीजिए, आप कुछ नहीं बिगड़ने वाला। या एक को आप सीधे कॉपी करके आप एक हार्ड ड्राइव में डाल दिए, उस हार्ड ड्राइव से आप कई हज़ार लाख कॉपी बनाते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये एनालॉग नहीं है। जैसे कि आपके पुराने कैसेट टेप होते थे, वो एनालॉग है, मतलब उससे आप रिकॉर्डिंग करके दूसरे कैसेट में डालिए, क्वालिटी घटेगी। दूसरे से तीसरे में जाइए, तीसरे से पाँचवें में जाइए, दसवें बार में तो कुछ आएगा ही नहीं, सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज़ आएगा। डिजिटल में वो नहीं होता। और कॉपीराइट प्रोटेक्शन का होने से फ़ायदा ये है कि टेप में कोई कॉपीराइट प्रोटेक्शन नहीं होता। टेप से आप, आपको कोई भी कंपनी कैसा भी टेप दे दे, उसको आप आराम से दूसरे टेप में कॉपी कर सकते हैं। इसके साथ करना पॉसिबल नहीं है। कॉपीराइट प्रोटेक्शन शुरू शुरू में उतना सीरियसली नहीं लिया गया था, लेकिन बाद में काफ़ी पायरेसी से लड़ने के लिए काफ़ी कॉपीराइट प्रोटेक्शन दिया गया, और इसी के चलते बिलगेट्स इतना अमीर बना। आप ये समझिए, बिलगेट्स ने, मैंने आपको वीडियो में बनाया था कि बिलगेट्स ने डॉस को सबके सामने बेचने का तरीका बना दिया कि भैया हम सबको बेच देंगे। तो ठीक है, बेच तो दोगे, लेकिन डेटा कैसे भेजोगे किसी के पास? जब उन्होंने अपना माइक्रोसॉफ्ट का फर्स्ट वर्जन निकाला जिसमें माउस था, तो वो फाइल साइज़ काफ़ी बड़ी थी, फ्लॉपी ड्राइव में भेजना बड़ा मुश्किल था। तो फ्लॉपी ड्राइव के ऐसा कर सकते थे कि 10-20 फ्लॉपी ड्राइव में भेजें या एक सीडी में भेजें। तो ये सब करते करते कंपनी को बहुत पहले ही समझ में आ गया कि अपना सीडी या डीवीडी में फाइल भेजना बहुत अच्छा रहेगा। एक तो कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिल जा रहा है, ऊपर से बहुत डेटा जा रहा है, तो आपको आराम से सीडी में ये लोग भेजने लगे, प्रोटेक्शन होने लगा, आपके सॉफ्टवेयर सब आने लगे। पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इसके भरोसे चल रही थी शुरू के कुछ साल तक की, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं था। इंटरनेट कहीं कहीं था, और जहां था भी वहां इतना स्पीड नहीं था कि ये डीवीडी आपका मतलब 5-10 मिनट में डाउनलोड हो जाए, लगता था मतलब 2 से 3 दिन लग जाते थे डाउनलोड करने में। तो ये सब मिला के ये बहुत सक्सेसफुल रहा ऑप्टिकल मीडिया, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे, बहुत सक्सेसफुल रहा। तो लेकिन आजकल उतना क्यों नहीं चल रहा जब ये इतना सक्सेसफुल रहा? तो इसका दो प्रॉब्लम हुआ कि जब हम लोग सीडी से डीवीडी में कूदे तो बहुत अच्छे से जंप मार गए, सब लोग कूद गए, और सीडी से डीवीडी के बीच में देखने का बहुत बड़ा अंतर है। आप याद कीजिए, जैसे मेरे पास बागवान की ओरिजिनल कॉपी है सीडी में, 3 CD लगा हुआ है, और अगर आप
डीवीडी में लेते हैं तो एक डीवीडी में आ जाता है, जमीन आसमान का अंतर। मतलब आप समझिए, आपका 3 CD, मेरे पास एक पुराना सैमसंग का CD प्लेयर है जिसमें एक ट्रे निकलता है, उस ट्रे में 3 CD रखो, तीनों को घुमाता रहता है, तो उतना फजीहत की जगह एक ट्रे वाला सीधे DVD ले लो, तो बहुत अच्छा अंतर आ गया जो पब्लिक को पता चल गया। अरे हाँ भाई, मतलब 3 CD की जगह पे सीधे एक DVD रख दे रहे हैं, और क्वालिटी में बहुत अंतर था। मतलब CD से DVD के क्वालिटी के बीच में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन DVD से ब्लू-रे के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब है, आप ध्यान से देखिएगा तो बहुत अंतर दिखेगा, लेकिन वो उतना नहीं है, जमीन आसमान का नहीं है। और तो जब ब्लूरे आया, एक तो ऐसा कुछ कर नहीं रहा था, मतलब ऐसा नहीं था कि ब्लूरे में उतार सकते थे, ये लोग ब्लूरे में ऐसे पिक्चर्स उतार सकते थे कि एक एक ब्लूरे डिस्क में DVD क्वालिटी के 10 पिक्चर आप डाले जा सकते, लेकिन वैसा इन्होंने किया नहीं। तो ये ना करने से ब्लूरे का सीधे मतलब किसी आम आदमी को कोई उतना फ़र्क दिखा नहीं कि मतलब DVD में भी अच्छी क्वालिटी आ रही है, ब्लूरे में उससे थोड़ी बेटर आ रही है। मतलब है बहुत बेटर, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, मतलब जब तक आप बस 4K TV नहीं है, 4K ब्लूरे तो अभी कहीं चलता ही नहीं है। तो इतना करने के बाद जो प्लेयर के दाम आए कि भैया 50,000 का, 90,000 का ब्लूरे प्लेयर आ रहा था, तो कोई खरीदा नहीं उसको। मतलब CD से DVD में लोग कूदे, DVD से ब्लूरे में नहीं कूदे, क्योंकि बहुत महंगा था प्लेयर। तो वो झंझट तो छोड़िए, उसके बाद ठीक है आप बोलते कि अरे पैसा जोड़ के खरीद भी लेते, तो उसके बाद जो टाइटल निकल रहे थे, मतलब जो ऐसे म्यूजिक है, या म्यूजिक जैसे म्यूजिक CD में आते हैं, पिक्चर जो DVD में आते हैं, इस पिक्चर जो ब्लूरे में आ रहे थे वो इतने महंगे थे, इतने महंगे थे कि मतलब एंड में लोगों ने बोला भाई छोड़ दो। मतलब DVD में जो आपको पिक्चर मान लिया 800 रुपये में मिल जा रहा था, ब्लूरे में वो कम से कम 3,500 का मिल रहा था, और उतना अंतर नहीं है कि आप जस्टिफाई कर सकें, तो लोग छोड़ दिए। यहीं पे ब्लूरे लटक गया, और ब्लूरे का लटकने का वो प्लेयर इतना महंगा क्यों था कि ब्लूरे में सब लोग कूद गए। मतलब DVD में भी ऐसा था कि कॉपीराइट प्रोटेक्शन, कि आपके DVD प्लेयर में चलेगा, कंप्यूटर में भी चलेगा, लेकिन अगर आप कंप्यूटर में कॉपी करने का कोशिश करेंगे तो कॉपी करने नहीं देगा, बता देगा दिस डिस्क इज कॉपीराइट प्रोटेक्टेड। तो ये लोग काफ़ी डाल दिया, एकदम भरपूश डाले। सोनी मतलब यही कह के सबको बेच रहा था, ब्लूरे मेरा ब्लूरे स्टैंडर्ड यूज़ कीजिए, आपका कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। मतलब हैकर्स तो बड़े बड़े बैठे हुए हैं, तो वो लोग तो क्रैक किए। जैसे क्रैक किए इन्होंने बीच रास्ते में, मतलब जो आपके प्लेयर्स निकल चुके हैं मार्केट में, बीच रास्ते में ही इन्होंने फॉर्मेट में इंक्रिप्शन चेंज किया। प्रॉब्लम कि आपके पुराने प्लेयर चल नहीं पाएंगे, तो नए नए पुराने बहुत पुराने प्लेयर जो मान लीजिए ब्लूरे का 2007 या 2008 में प्लेयर खरीदेगा, उसमें तो नए ब्लूरे चलेंगे ही नहीं। इसलिए नहीं कि वो सपोर्टेड नहीं है, सपोर्टेड है, लेकिन इंक्रिप्शन चेंज हो गया तो वो काम ही नहीं करेगा। कुछ प्लेयर में फॉर्मवेयर अपडेट करने से चलने लगा, बाकी सब में तो सीधे हो गया। और बहुत सारे स्टैंडर्ड बनाए गए जो कि सुनने में आ रहा है कि ब्लूरे 4K में नहीं किया जाएगा, कि अब ये तीन स्टैंडर्ड है, नॉर्थ अमेरिकन, अफ्रीका और यूरोप, ये सब तीन स्टैंडर्ड जो बांटे गए हैं। इससे चलते मतलब अगर आप मान लीजिए कहीं आप किसी दूसरे देश में घूमने गए, आपको ब्लूरे कोई अच्छा दिख गया, अच्छे पिक्चर का, आप खरीद के लाए, आपके घर अपने घर में चलाए, वो चलेगा ही नहीं, उसी से बोलेगा रीजन लॉक्ड। तो ये सब जो चूतिया पा इन्होंने किया, इसके चलते ये बहुत अच्छे से आगे नहीं बढ़ पाए, ये ब्लूरे को उतना आगे से आने नहीं दिया, और इंटरनेट धीरे धीरे इतना अच्छा हो गया कि लोग बोले भाई छोड़ छोड़ दो। मतलब आपको समझाने के लिए कितना फजीहत था कि अगर आप PlayStation 3 खरीद लेते तो आप खुश रहते, क्योंकि PlayStation 3 एक पूरा कंप्यूटर था और इसमें बार बार फर्मवेयर अपडेट्स आ रहे थे। ये स्टार्टिंग मतलब 2009 में आप खरीद लेते और खुश रहते अभी तक, कि क्योंकि उसमें सारे ब्लूरे चलते रहते। और अगर अभी आप 4K ब्लूरे लेना चाहते, जो कि ब्लूरे का डुअल लेयर और थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी पे बनाया गया है, तो आपको मैं कहूँगा ही नहीं कि प्लेयर तो खरीदिए ही मत, सोचिए भी मत। आप शांति से Xbox One S खरीद लीजिए, उसमें वो सपोर्ट करता है, और चूंकि वो फुल कंप्यूटर है और चूंकि उसके अपडेट बनाते जाएंगे रेगुलर, आप उसमें चलाइए, और वो सस्ता है। मतलब एक प्लेयर का दाम $1,000 है, उसका दाम $800 है। मतलब सस्ते में आपको एक कंप्यूटर खरीद लेना सस्ता पड़ेगा, वो प्लेयर नहीं खरीद पाएंगे। इसी सब चलते ये लटक गया कि मतलब आपको एक कंप्यूटर लेना पड़ रहा है कि भैया हम ब्लूरे चला पाए, CD DVD की तरह सिंपल नहीं रहा। तो फिर मैं आपके वीडियो क्यों बना रहा हूँ आपके लिए, आप ये समझिए कि अभी अगर आपका काम है कि मान लीजिए आप रिटायर हो गए हैं, कि आप घर में बैठ के पिक्चर देखना चाहते हैं, या मतलब सैटरडे संडे को आप काम करके आए थक गए, अकेले अच्छा से सबसे बढ़िया क्वालिटी में आप अपना फेवरेट पिक्चर देखना चाहते हैं, तो अभी ब्लूरे के आसपास भी कोई नहीं आता, चाहे नेटफ्लिक्स हो चाहे कुछ भी हो। प्रॉब्लम यह कि नेटफ्लिक्स तो अब जाके 4K देने लगा है, और प्रॉब्लम यह कि 4K में वीडियो तो अच्छा दे रहा है, वीडियो जो डाल रहा है आपके कंप्यूटर में बहुत अच्छा है, लेकिन उसका ऑडियो को ये लोग बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, और क्योंकि करना ही पड़ेगा, क्योंकि उतना बैंडविथ किसी के इंटरनेट में नहीं है। होम इंटरनेट पे अभी भी किसी के पास इतना नहीं है कि मतलब 400-500 मेगाबाइट रीड राइट पे चलते रहे। तो ब्लूरे में बहुत अच्छे से आपके पास बहुत हाई क्वालिटी का साउंड और वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको मान लीजिए जैसे IMAX जैसा आपको चाहिए घर में एक्सपीरियंस, तो आपको यहीं से मिलेगा।
और आपको हमेशा इंटरनेट नहीं चाहिए, मतलब मान लीजिए कि घर में इंटरनेट है भी तो बहुत लोग यूज़ कर रहे होंगे, आपके वाइफ यूज़ कर रहे होंगे, बच्चे यूज़ कर रहे होंगे, या कोई और दोस्त लोग यूज़ कर रहे होंगे, आप सबका इंटरनेट बंद हो जाएगा अगर आप नेटफ्लिक्स 4K पे चलाने लगे तो इसलिए नेट हमेशा नहीं चाहिए इसके लिए। और जो मैं जिस रीज़न से मैंने ये वीडियो बनाया है वो है कि इससे बेहतर बैकअप मीडियम नहीं है। मतलब बैकअप को हम लोग दो तरीके से कहते हैं, एक नॉर्मल बैकअप होता है, दूसरा आर्काइवेबल बैकअप होता है। आर्काइवेबल बैकअप का मतलब होता है कि आप बैकअप बना के रख के भूल गए, आपको सोचना नहीं है, आपको उसको दोबारा देखना नहीं, आप बनाए रख दिए छोड़ दिए, काम खत्म, आपको कुछ और नहीं सोचना है। आर्काइवेबल बैकअप वही कहा जाता है। आर्काइवेबल बैकअप कुछ कुछ दिन में बनाया जाता है, मतलब जैसे 1 महीने पे या 1 साल पे, डिपेंडिंग आपका कितना डेटा है, कितना अप डाउन हो रहा है, तो उस आर्काइवेबल उसके हिसाब से बनाया जाता है। तो एक सस्ती CD भी मेरे पास है, खूब सारी CD पिक्चर में जो मैंने खुद राइट किया है, उस पर अभी तक चल रहा है, 10-20 साल होने पे आ रहे हैं, मतलब 15 साल तो क्रॉस ही कर गया है। और इस पे अभी जैसे मान लीजिए आप DVD बहुत सस्ते में खरीद सकते हैं, आप तो पूरा पूरा स्पिंडल पैक खरीद सकते हैं जो कि इतना आपको बहुत सस्ते से दे देगा। अब प्लस DVD, CD और ब्लूरे सब बैकवर्ड्स कंपैटिबल है, मतलब अगर आप एक ब्लूरे प्लेयर लेते हो उसमें CD भी चलेगा, DVD भी चलेगा, और जिसमें नहीं चलेगा उसमें बड़ा बड़ा लिखा रहेगा कि इसमें CD और DVD नहीं चलता है। तो अभी अगर जैसे मान लिया फोटोग्राफी करते हैं, जैसे मैं करता हूँ, आपके पास फैमिली फोटो है जो आप नहीं भूलना चाहें, आप बोलोगे नहीं मैं इसको एक दूसरे हार्ड ड्राइव में कॉपी कर देता, ठीक है, लेकिन हार्ड ड्राइव तो कुछ ही साल चलेगा ना, और गलती से आपने डिलीट कर दिया, गलती से फॉर्मेट कर दिया, और हार्ड ड्राइव क्रैश होता है, ऐसा कोई नई बात नहीं है, हार्ड ड्राइव क्रैश नहीं होता है, क्रैश होता है। इसमें जो डेटा गया वो सेफ है, क्या अब ये अनंत है, मतलब ये कभी ख़राब नहीं हुआ, नहीं ऐसा नहीं है। इसका सबसे बड़ा फजीहत है कि जो डिस्क आपको नॉर्मल 10 रुपये में या 20 रुपये में मिलता है उसमें प्रॉब्लम है कि जो इंक यूज़ किया गया है जिसपे आप लिख खरोंच के लिख रहे हो लेज़र से, वो थोड़ा लो क्वालिटी का होता है, तो वो ज़्यादा टिकता नहीं है, मतलब खुद ही से ख़त्म हो जाएगा, कितने साल में, 30 से 35 साल में ख़त्म होगा। दूसरा ये आता है कि इस सब का सबसे बड़ा झंझट है कि इसमें मेटल यूज़ किया गया है, एल्युमिनियम का इस्तेमाल करने से, मतलब जो लेयर आप देखते हैं रिफ्लेक्शन का वो मेटल लेयर है, वो करोजन हो जाता है उसमें, मतलब अगर पानी पड़ रहा है, मतलब जैसे आप उमस वाले एरिया में, तो ये टिकेगा नहीं ज़्यादा। तो अगर आप नॉर्मल सस्ता डिस्क खरीद के रखते हैं 10 साल तो चल ही जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं है मेरे को 50 साल तक का चाहिए, कि मान लीजिए आप अपने बच्चे का फोटो किए जब उनकी शादी होगी उस टाइम दिखाना चाहने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप आर्काइवल डिस्क लीजिएगा जो मार्केट में आपको मिलेगा। आपको साफ साफ सोनी का बहुत अलग कंपनी का बनाती है जो आर्काइवेबल डिस्क है, वो डिस्क में इंक जो यूज़ किया जाता है वो बहुत स्ट्रांग रहती है, और प्लस ऐसा भी बनाया जाता है कि वो ह्यूमिडिटी थोड़ी बर्दाश्त कर पाए। और अगर आप उसको खूब सारा सस्ते में ले रहे हैं तो आपको बस ये करना है कि कहीं पे भी रखिए, बस वहाँ पे आप या तो उसको मतलब एक प्लास्टिक बैग में डाल के वैक्यूम क्लंप चला दिए ताकि वहाँ ह्यूमिडिटी एकदम ना रहे। इस तरह का काम कर देने से आप आराम से एक डिस्क को 10 से 20 साल से 50 साल तक आराम से रख सकते हैं। और चूंकि अभी तक इसके CD, DVD, ब्लूरे बन रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि प्लेयर कभी ख़त्म हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं। और बहुत सारे तो नेटवर्क अटैच स्टोरेज में भी डिस्क ड्राइव आते हैं कि मान लीजिए आप पिक्चर आप बोले कि डिस्क ड्राइव में मेरे को पिक्चर रखना है, आप डाल दिए उसमें, आराम से वो पिक्चर आपका स्टोर कर लिया। फिर यह हो गया आपका कि भाई कुछ सिक्योरिटी फुटेज है जो आपको कहीं रखते जाना है, डिलीट नहीं करना चाहते, मतलब 1 महीने का फुटेज आप इसमें रख रहे हैं लेकिन बार बार हटाते जाना है, तो आप इसको ब्लूरे ड्राइव रख दीजिए और ब्लूरे में हर हफ्ते का फुटेज कंप्रेस करके डाल डाल के आप रखते जाएंगे, आर्काइव मतलब डिलीट नहीं करेंगे, वो रखा रहेगा। ये जेम्स बॉन्ड कैसीनो रॉयल में दिखाया गया था कि ब्लूरे में वो सब लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ऑप्टिकल मीडिया के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं डिसलाइक कर दीजिए, और मैं कहूँगा कि आप कमेंट लिखिए कि आप क्या दिखना चाहेंगे अगले एपिसोड में, और आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए ताकि आपको पता चलता रहे मैं कौन कौन सा वीडियो बना रहा हूँ। आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।